मेरा देखिए, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे पता है इंडिया में क्या चीज़ का कमी है। तो मैं उस हिसाब से BFC 2 को मतलब लेके जा रहा हूँ कि जो एक फाइटर्स को जितना फैसिलिटी चाहिए उतना फैसिलिटी एटलीस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिया में नहीं है अभी फाइटर्स के लिए, वो है रेस्पेक्ट। तो इंडिया में फाइटर्स लोग इतना ट्रेनिंग करता है, मगर फाइट के लिए प्रोमोटर का मतलब पैर दबाना पड़ता है। ये जो मतलब फाइटर्स के लिए रेस्पेक्ट कम है, उसको पहले काम करना है। तो मैं इसीलिए मैं ये इवेंट से, देखिए मेरे को मेरे मैं अच्छा अर्न करता हूँ, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जो इवेंट कर रहा हूँ, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा गोल इवेंट को इम्प्रूव करना इसीलिए है ताकि आज जिस बंदे को मैं 2 लाख रुपये दे रहा हूँ, नेक्स्ट इवेंट में मेरे को 7 लाख रुपये देना है। मेरा टारगेट ये है, तो ये टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ कि इम्प्रूव इवेंट को मुझे इम्प्रूव इसलिए करना है, BFC को इम्प्रूव इसलिए करना है ताकि मैं नेक्स्ट इवेंट में आप लोगों को बेटर सर्विस दूँ। तो ये मेरा गोल है। अभी दूसरा चीज़ ये है कि फाइटर्स जो जितना भी इधर है, मैं मेरी मेरी हैसियत के हिसाब से मैं जितना हो सके उन लोगों का केयर ले रहा हूँ। मेरा ट्रांसपोर्टेशन, उन लोगों का फ्लाइट्स, उन लोगों का स्टे, अच्छा होटल में फ्लाइट दे रहा हूँ, उन लोगों का एयरपोर्ट से, इवन एयरपोर्ट से होटल तक कुछ भी उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब पिकअप ड्रॉप कर रहा हूँ। खाना बेस्ट क्वालिटी का खाना दे रहा हूँ, फाइटर्स को पैसा दे रहा हूँ, कोई भी फाइटर्स फ्री में फाइट नहीं कर रहा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग नहीं ले रहे हैं। बहुत ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, प्रो फाइट में भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, उल्टा हम लोग पैसा दे रहे हैं। बहुत जो डेब्यू फाइटर्स है उन लोगों को भी हम लोग पे कर रहे हैं, सब लोग इक्वल फैसिलिटी दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई सीनियर बन रहा है उसको बहुत अच्छा होटल में रख रहा है, उसको अच्छा फैसिलिटीज दे रहा है, कोई मतलब थोड़ा कम सीनियर है उसको हम लोग ऐसे ही रख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे पता है मैं एस फाइटर ऐसा को 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। सो इंडिया में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी मेरा प्लान ये है कि इसको हमको ग्रोथ करना है, BFC को ग्रोथ करना है। मुझे पैसा इनकम करने के लिए, कमाने के लिए मुझे ग्रोथ नहीं करना है, मुझे इसलिए ग्रोथ करना है ताकि आज जिस बंदे को, आज मान लो आज कोई बंदा $1,000 में फाइट कर रहा है, मैं नेक्स्ट इवेंट में उसको मैं $2,000 पे करूँ। तो ये टारगेट लेके मैं BFC बिडांग फाइटिंग चैंपियनशिप में चालू कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। सो होपफुली सब लोग मुझे सपोर्ट करेगा। और ये बेसिकली फाइटर्स बेस्ड मतलब लीग है, इसमें कोई मतलब किसी को मक्खन लगाना या फाइट मिलने के लिए किसी को मक्खन लगाना, किसी को मतलब रिक्वेस्ट करना नहीं पड़ता है। अच्छा परफॉर्म करो, आगे का फाइट में आपका फाइट कार्ड का नाम है। तो ये 100% श्योर है, इसमें कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसका लीड में हूँ। ये मेरा ये BFC में जो मेन रोल, जो मेरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, ग्रीनवुड रिजॉर्ट जो नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, एंड उसका ओनर हिमांशु, एंड जो मतलब यहाँ का मतलब अच्छा है रिजॉर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है, एंड प्राग न्यूज़ मिस्टर संजीव नारायण सर। तो मुझे उन लोगों को थैंक यू बोलना है कि उन लोगों ने हमको हेल्प किया है स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, एंड मुझे संदीप नारायण सर की बेटा अक्षय नारायण को भी थैंक यू बोलना है कि ही इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, एंड वो सुपर एक्टिव है, एंड मुझे उन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। एंड हिमांशु ही इज़ ए वेरी नाइस पर्सन, एंड हम लोग एक एज ए टीम काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के साथ काम करके, और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, हम तीनों का ये प्लान है कि हम लोग BFC को इस लेवल से इस लेवल तक लेके जाएंगे विद इन 2 ईयर्स।